الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا بزرگوں اور بھائیوں یہ ان آیات پاک میں سے جو دو تین دن سے میں پڑھتا رہا ہوں ان میں سے یہ آخری تیسری آیت ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 130 ہے پہلے جو آیات پاک میں نے بیان کی تھی ان میں یہ مضمون تھا کہ اصل الاصول قرآن کریم ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. اللہ نے انتظام کیا ہے اس کی حفاظت کا, اور وہ انتظام یہ کیا ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا. چونکہ اس وقت میں بڑی عمروں میں صحابہ نے حفظ کیا تھا, کوئی بچے نہیں تھے صحابہ, کوئی 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوا, کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا, کوئی 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوا, اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تو 150 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے. اسی طرح سے عورتیں جو مسلمان ہوئی ہیں وہ بھی مختلف زمانوں میں مسلمان ہوئی ہیں, اور سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قرآن کریم کو حفظ کرنا, یاد کرنا شروع کیا. اور دور بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور روزانہ دور سنانا ہے. کس کو سنانا ہے؟ اللہ پاک کو دور سنانا ہے روزانہ, آدھا پارا, ایک پارا نہیں, جتنا نازل ہو چکا ہے سارا ہی سنانا ہے. تو جب یاد کیا ہوا سارا ہی روزانہ دور سنایا جائے گا تو چاہے 200 سال کی عمر میں یاد کیا ہو اسے بھول نہیں سکتا, لا محالہ جم جائے گا. اس کا سلسلہ کیا؟ شروع اسلام میں, بالکل ابتدائے اسلام میں تہجد فرض کیا گیا تھا امت پر, اور تہجد آج کل تو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں 10 منٹ میں, کوئی بہت زیادہ خشوع خضوع کر لیا تو 15 منٹ میں, 15 منٹ میں 8 رکعتیں بے تکلف پڑھی جا سکتی ہیں. اس وقت 10 منٹ اور 8 منٹ پر 12 منٹ کا تہجد نہیں تھا. اس وقت تہجد کتنا تھا جانتے ہو؟ جو فرض تھا, یا ایھا المزمل قم اللیل, پوری رات تہجد پڑھو, قم اللیل الا قلیلا, مگر تھوڑا سا, تھوڑی دیر سو جاؤ, آرام کرو, باقی رات کا بیشتر حصہ تہجد پڑھو. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی رات یا آدھی رات میں سے تھوڑا کم کر دو, او زد علیہ یا آدھی رات پر کچھ بڑھا دو, ورت للقرآن ترتیلا, اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, یعلمون تعلمون والا نہیں,
आजकल हम अजमी जो हाफिज हमारे होते हैं वो ऐसा कुरान पढ़ते हैं तरावी में कि बहुत सा तो समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ कर गए। ये कुरान पढ़ने का सही तरीका नहीं। अल्लाह ने शुरू ही में ये हुक्म दिया था वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ो। तो जितना नाजिल ये जो सूरह मुज़म्मिल है ये बिल्कुल इब्तिदाई सूरतों में से है। सूरह अलक, सूरह मुद्दसिर और सूरह मुज़म्मिल ये तीन बिल्कुल इब्तिदाई सूरतें हैं। उस वक्त ये आयतें नाजिल हुई थी कि रात का बेशतर हिस्सा कुरान करीम पढ़ो और ठहर ठहर करके पढ़ो। ये वो दौर सुनाया जाता था, हर रात दौर किया जाता था और दौर सुनाया जाता था अल्लाह पाक से। बच्चे जो हिफ्ज करते हैं हिफ्ज करके खुद याद हो गए, फिर उस्ताद के पास जाते हैं तो उसे भूले निकलती, और वो याद हो गया था वो क्या हुआ था, वो बच्चे ने अपने आप को सुना दिया। तो जो सबक याद करके हाफिज अपने आप को सुनाता है उसी को जब उस्ताद को सुनाना पड़ता है तो भूले आती है। उस्ताद को सुनाने के लिए और पक्का चाहिए, और अगर इम्तिहान आ रहा है और मुमतहिन को सुनाना है तो जो उस्ताद को पक्का सुनाया है मुमतहिन को सुनाएगा और बुलाएगी। मुमतहिन इम्तिहान देने के लिए मुमतहिन को सुनाने के लिए और पक्का चाहिए। तो जब मुमतहिन को सुनाने के लिए पक्का चाहिए तो अल्लाह पाक को सुनाने के लिए कितना पक्का चाहिए। ये जो हमारे हाफिज हैं ये बेहतरीन दिन में याद कर लेते हैं, फिर जब नमाज में खड़े होते हैं अल्लाह पाक को सुनाने के लिए तो पैर लरसते हैं और जहां ज्यादा पक्का होगा वहीं बुलाए। तो बहरहाल ये इंतजाम किया था कि कुरान करीम हिफ्ज करो और जितना याद हुआ हिफ्ज किया, हर रात में नफलों में पढ़ो तहज्जुद फर्ज। फिर जब लोग तहज्जुद पढ़ने के आदि हो गए और तहज्जुद पढ़ने का फायदा समझ में आ गया तो फर्जियत खत्म कर दी, तहज्जुद चलता रहा, आज भी चल रहा है। तहज्जुद खत्म नहीं किया, सहाबा ने तहज्जुद नहीं छोड़ा कि फर्जियत खत्म हो गई तब सहाबा चादर ओढ़ के सो गए, नहीं, तहज्जुद तो चलता रहा लेकिन एक आदत हो गई और लोग इसके फायदा समझ गए तो फर्जियत खत्म कर दी और उसके बाद में उनको कह दिया कि पढ़ते हो। और जब असलुल उसूल महफूज होगा, कुरान करीम महफूज होगा तो दीन जाए नहीं हो सकता। और कयामत की सुबह तक कुरान करीम अल्लाह ने जो इंतजाम किया है उसी इंतजाम के मातहत कुरान महफूज रहेगा, और जब तक कुरान महफूज है दीन इस्लाम बाकी। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया था कि ये कुरान जो लोगों की तरफ उतारा गया है वो आपके वाया इसलिए भेजा जा रहा है, आपके जरिए इसलिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि जो कुरान लोगों की तरफ उतारा गया है आप ये कुरान उनको पहुंचाएं भी और उनको खोलकर समझाएं भी। यही वो अहादीस शरीफा है। और फिर कहा वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि लोग कुरान में गौर व फिक्र करें सोचें। इसमें इशारा किया कि कयामत तक की तमाम जरूरतें हुजूर नहीं बयान करेंगे, आगे की जो जरूरतें हैं जब वो जरूरतें पेश आएंगी तो उम्मत के मुज्तहिदीन किराम उसे सोचेंगे और कुरान और हदीस ही में से सोचकर उनके अहकाम निकालेंगे। इससे कुरान के साथ हदीस की हुज्जियत निकली, फिर हदीस के बाद उम्मत ने जो सोचा और सब मुत्तफिक होकर के एक बात पर जम गए, इजमाए उम्मत की हुज्जियत निकली, और मुज्तहिदीन में कुरान और हदीस के सोचने में इख्तिलाफ हुआ तो ये इज्तिहादी मसाइल हुए, और यही कयास और यही मजाहिब फिकहिया है, इसकी हुज्जियत निकली। अब ये जो आखिरी आयत है इस आयत करीमा में दो चीजों की हुज्जियत किस दर्जे की है उनका तज़किरा है।
कुरान करीम की हुज्जियत किस दर्जे की है उसको नहीं बयान किया। कुरान करीम की हुज्जियत तो हर एक मानता है, अहले कुरान फिरका है वो भी उसकी हुज्जियत मानता है, और अगर कोई कुरान करीम को हुज्जत नहीं मानता तो मुसलमान ही नहीं। साफ बात है कि जो कुरान करीम को हुज्जत नहीं मानता मुसलमान कहां रहा, मुसलमान ही नहीं। लेकिन जो कुरान करीम को हुज्जत मानता है उससे आगे जो अहादीस शरीफा हैं सुन्नत नबवी उसको हुज्जत नहीं मानता। जैसे फिरका अहले कुरान कुरान को हुज्जत मानता है लेकिन सुन्नत नबवी को हुज्जत नहीं मानता, या सुन्नत नबवी को भी हुज्जत मानता है मगर इजमाए उम्मत को हुज्जत नहीं मानता। जैसे फिरका जाहिरिया फिरका गैर मुकल्लिदीन का कुरान और हदीस को हुज्जत मानता है इजमाए उम्मत को हुज्जत नहीं मानता। इसीलिए सहाबा के जमाने में जितने मसले सहाबा के इजमा से तय हुए उन तमाम मसलों में वो इख्तिलाफ करें, क्यों उनके यहां उम्मत का इजमा हुज्जत ही नहीं है, सहाबा का इजमा भी हुज्जत नहीं। फारूक आजम रबी अल्लाह ताला अनहु के जमाने में पूरे उम्मत के इजमा से तरावी की 20 रकातें तय हुई और वो उस वक्त से लेकर आज तक सारी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं। वो फिरका कहता है नहीं ये बिदअत उमरी, उसको क्या कहता है बिदअत उमरी। माशाल्लाह उमर तो तुम्हारा छोटा भाई है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में तमाम सहाबा के इजमा और इत्तिफाक से यह तय हुआ कि अगर कोई शख्स एक मजलिस में दो या तीन तलाक देगा और ताकीद उसकी नीयत नहीं होगी तो जितनी तलाकें दिए सब पड़ जाएंगे, दो दिए दो पड़ेंगे, तीन दिए तीन पड़ेंगे। ये फिरका इसको नहीं मानेगा, वो कहता नहीं एक ही पड़ेगी। हजरत उस्मान यहां रुक कर समझो, तीन सूरतें हैं। एक तो ये कि एक शख्स ने एक ही मजलिस में या अलग अलग मजलिसों में एक तलाक दी और उसे रिपीट की ताकीद के तौर पर तो एक ही पड़ेगी। उसने बीवी को तलाक दी, किसी ने पूछा भाई क्या झगड़ा तुम्हारा क्या हुआ, कि मैंने बीवी को तलाक दी, तो ये वो पहली वाली तलाक ही की खबर दे रहा है, उसकी रिपीट कर रहा है। दुर्रे मुख्तार में ये जुज़ईया है, कर्ररा लफ्ज़ तलाक व नवत ताकीद दुय्यना। अगर तलाक का लफ्ज़ रिपीट करे और ताकीद की नीयत करे, पहले से नीयत उसकी ताकीद की है, ताकीद के लिए एम्फसाइज, ताकीद माने एम्फसाइज के लिए रिपीट करे, तो उसकी नीयत उसके और अल्लाह के दरमियान में मान ली जाएगी और जो उसने नीयत की है वही पड़ेगी तलाक। लेकिन एक ने दो की नीयत की है और दो दी है, तीन की नीयत की है और तीन दी है, और एक ने एक दो तीन मरतबा लफ्ज बोला है और ताकीद की एम्फसाइज की नीयत नहीं की है, बगैर नीयत के दो मरतबा तीन मरतबा लफ्ज बोला है, तो ये जो दो सूरतें हैं इन दो सूरतों में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में तमाम सहाबा का इजमा हुआ है कि इन दो सूरतों में जितनी मरतबा उसने लफ्ज तलाक बोला है इतनी तलाकें बढ़ जाएंगी। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मीटिंग बैठी और उन उसमें मजलिस आया कि अब तक सूरत हाल ये थी कि अगर कोई शख्स तलाक का लफ्ज रिपीट करता था तो ताकीद की नीयत से करता था, लेकिन अब लोग ताकीद की नीयत से रिपीट नहीं करते हैं, दो या तीन देने की नीयत से रिपीट करते हैं। तो हुजूर के जमाने से जो सूरत हाल चली आ रही थी वो सिचुएशन ताकीद की थी, अब वो सिचुएशन नहीं रही। क्यों? अब सहाबा के अलावा और बहुत से लोग नए नए मुसलमान हुए, सहाबा की तो तरबियत हुई थी लेकिन ये नए मुसलमान हुए हैं इनकी वैसी तरबियत नहीं हुई थी, लिहाजा ये लोग दो या तीन मरतबा तलाक का लफ्ज बोलते हैं तो ताकीद की नीयत नहीं करते हैं, मुस्तकिल दो या तीन देने की नीयत करते हैं, लिहाजा क्या हुक्म है?
तो सहाबा की पूरी मीटिंग ने हजरत उमर के खिलाफत में यह तय किया कि अगर उसने ताकीद की नीयत नहीं की पहले से जहन में ताकीद की नीयत रखकर रिपीट करेगा तो मोतबर है, और अगर पहले से नीयत नहीं है तो बाद में तो हर एक नीयत कर लेंगे तैयार है। जब तीर कमान से निकल जाता है तो फिर तो हर एक मेरी ताकीद की नीयत थी, अब तो हर एक ताकीद की नीयत करेगा, ये झूठ है, अब इसका एतबार नहीं। पहले से नीयत है और पहले से नीयत के बाद उसने रिपोर्ट किया, उसका हुक्म अलग है। और अगर पहले से नीयत दो या तीन देने की है या पहले से खाली जहन है और उसने लफ्ज दो तीन मरतबा बोल दिया, तो सहाबा के इजमा से तय हुआ कि जितनी मरतबा लफ्ज बोला उतनी तलाकें पड़ जाएंगी। ये इजमा उम्मत से तय हुआ है, वो फिरका इसे नहीं मानता। क्यों? वो इजमा को हुज्जत नहीं मानता, चाहे सहाबा का इजमा हो, इजमा को हुज्जत नहीं मानता। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब मदीना की आबादी बहुत ज्यादा फैल गई तो हजरत उस्मान ने जुमा में एक अजान और बढ़ाई, और उस वक्त से लेकर आज तक सारी दुनिया में शर्कन गर्बन वो अजान है, ये फिरका नहीं मानता, वो कहता है ये बिदअत उस्मानी। हालांकि ये सब बातें मुल्क और मिल्लत की तंजीम से ताल्लुक रखने वाली, सिटी छोटी है बड़ी है, जब बहुत बड़ी सिटी हो जाएगी तो उसके एतबार से लोगों को जुमा के दिन एक जगह जुमा पढ़ना है तो सारे लोग आ जाएं, उसके लिए कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हजरत उस्मान ने देखा कि खुतबा खत्म हो जाता है तब भी लोग पूरे नहीं आ पाते हैं, तो हजरत ने 15-20 मिनट पहले एक अजान शुरू करवाई ताकि लोग सब आ जाएं, उसके बाद खुतबा शुरू। ये जो तलाक के मसले हैं ये भी मिल्लत की तंजीम है कि पहले उम्मत यूं करती थी, अब उम्मत की सूरत हाल बदली है, इस बदली हुई सूरत हाल का क्या हुक्म है, ये मिल्लत की तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा ही एक मसला, एक आदमी मियां बीवी मिले और फरागत नहीं हुई, गुस्ल वाजिब हुआ या नहीं हुआ, दोनों तरह की हदीसें थी, गुस्ल अलमाओ मिन अलमा, गुस्ल वाजिब नहीं हुआ, और इज़ल तखल खितानान, गुस्ल वाजिब हो गया, दोनों तरह की हदीस में थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये मसला आया तो अकाबिर सहाबा को हजरत उमर ने इकट्ठा किया, कभी अगर ये सूरत पेश आए तो गुस्ल वाजिब है नहीं, तो बड़े बड़े सहाबा ने कहा वाजिब नहीं, और दूसरे बड़े बड़े सहाबा ने कहा वाजिब है। तो हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदो, ये तो रोज घर में पेश आने वाला वाकया है, मुसलमानों के घरों में रोज पेश आने वाला वाकया है, इस मसले में तुम बड़े बड़े हजरात इख्तिलाफ करोगे तो आगे क्या होगा। तो हजरत अली ने मशवरा दिया कि इस मसले को तय करने के लिए आप हुजूर की बीवियों से मसला पूछिए। तो हजरत उमर ने एक आदमी को अपनी बेटी हजरत हफ्सा के पास भेजा कि अगर ऐसी सूरत पेश आए तो हुजूर का क्या अमल है। तो हजरत हफ्सा ने कहा मेरे साथ ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया कि मियां बीवी मिले हों और फरागत से पहले मियां बीवी अलग हो गए, ऐसा वाकया मेरे साथ पेश नहीं आया। आदमी वापस आया तो हजरत उमर ने फिर उसी आदमी को हजरत आयशा के पास भेजा, जाओ हजरत आयशा से पूछो। हजरत आयशा के पास गया, हजरत आयशा ने फरमाया कि मेरे साथ मेरे और हुजूर के दरमियान में ऐसा वाकया पेश आए हैं और हमने दोनों ने गुस्ल किया। जब ये हुजूर का अमल आया तो हजरत उमर ने कहा सुन लो भाई, देखो आज से ये मसला तय है, अगर इसके खिलाफ किसी ने किया तो सजा पाएगा। ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, दोनों हदीस हैं। अब एक हदीस पर सारे सहाबा को मुत्तफिक कर दिया। तो ये उम्मत के मैनेजमेंट से, मिल्लत की तंजीम से ताल्लुक रखने वाला मसला है। हजरत उमर ने कोई नया मसला नहीं बढ़ाया, दीन में कोई मसला नहीं बढ़ाया, ये हदीस भी थी और ये हदीस भी थी। उम्मत को कौन सी हदीस पर अमल करना चाहिए, हुजूर के अमल से इस हदीस को ताईद मिली तो इस पर उम्मत को मुत्तफिक कर दिया और इस हदीस को छोड़ दिया। ये हदीस है मगर इस पर अमल नहीं।
बाद में जो सहाबा थे हजरत उबै इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, उन्होंने ये बात लोगों को बतलाई कि अलमाओ मिन अलमा का न रुखसतन फी अव्वलिल इस्लाम। ये जो मसला था कि जब इंजाल हो तब गुस्ल वाजिब होगा, ये एक फैसिलिटी थी इस्लाम के शुरू दौर में, बाद में ये फैसिलिटी खत्म हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे जो मसाइल हैं जो उम्मत के इजमा से, और उम्मत का भी पहला काफिला सहाबे किराम जिनके इजमा से ये मसले तय हुए, वो जमात जो कुरान और हदीस को हुज्जत मानती है, इजमाए उम्मत को हुज्जत नहीं मानती, वो ऐसे तमाम मसाइल में इख्तिलाफ करती, लेकिन ये हिम्मत नहीं है उसकी कि वो ये कहे कि हम इजमाए उम्मत को हुज्जत नहीं मानते। ये हिम्मत नहीं, अगर ऐसा कहने लगे तो मुसलमान उनके मुंह पर थूकेंगे। तो वो क्या कहेंगे, बहाना बनाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 महीने 11 रकअतें पढ़ते थे। हजरत आयशा की हदीस है बहुत आला दर्जे की कि हुजूर 12 महीने 11 रकअतें पढ़ते थे, 8 तहज्जुद की और 3 वितरों की, लिहाजा हम भी रमजान में 8 ही रकात पढ़ेंगे बस। क्यों भी रमजान में क्यों पढ़ोगे, हुजूर तो 12 महीने पढ़ते, तुम 12 महीने क्यों नहीं पढ़ते, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, माशाल्लाह ये अच्छा हदीस पर अमल है। हदीस तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 12 महीने 11 रकातें पढ़ते। हदीस पर अमल करना करो, नहीं रमजान जब चला गया तो हदीस भूल गई, और रमजान आया और ये हदीस याद आई, ये कौन सा हदीस पर अमल करने का तरीका। फिर अगर कोई ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमात से यही 8 रकअतें पढ़ी हैं और रमजान में पढ़ी, इसलिए हम रमजान में पढ़ते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो जमात के साथ सिर्फ 2 रातें या 3 रातें पढ़ी थी, पूरा रमजान नहीं पढ़ी थी। तुम पूरा रमजान क्यों पढ़ते हो, कि हजरत उमर ने पूरा, ओहो अब हजरत उमर याद आए, अब हजरत उमर याद आए। तो ये सब बहाने हैं, असल ये है कि वो जो उम्मत का इजमा हुआ है सहाबा के दौर में, वो इजमा नहीं लेना, इजमा हुज्जत नहीं है उनके नजदीक, और फिर उसके बाद ये सब बातें हैं। वरना अगर तुम्हें हदीस पर अमल करना है तो सही अमल ये है कि 12 महीने करो, तो हम जाने कि तुम ठीक अमल करते हो हदीस में, और अगर तुम्हें सिर्फ हदीस रमजान में करना तो 2 रातें करो, 3 रातें बस, बाकी रातें हुजूर ने जमात से नहीं पढ़ी, बाकी पूरा रमजान तो हजरत उमर ने शुरू किया है, और हजरत उमर ने जो शुरू किया है वो पहले 8 शुरू की थी और उसके बाद में फिर 20 शुरू की थी, और उस 20 पर उम्मत का इजमा हुआ है। इस मसले को भी जरा समझ लो, क्योंकि मजमे में बाल इस मसले के बारे में काफी मालूमात रखते होंगे, इसलिए थोड़ी वजाहत करूं मैं इसकी। इमाम मालिक अलैहि रहमा की किताब है मुवत्ता मालिक, उसमें ये हदीस है, यजीद इब्न रुमान की हदीस है कि और था और पीछे चलो, सियूती रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है की तफसीर में, उसका नाम है अद्दुर्रुल मंसूर, अद्दुर्रुल मंसूर में सूरतुल कद्र, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, इस सूरत की तफसीर में रिवायत है, जिसको देखना हो देखो। हजरत अली ने फरमाया कि ये जो तरावीह रमजान में शुरू की है हजरत उमर ने, ये मैंने हजरत उमर को मशवरा दिया था। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर को मशवरा दिया था और मेरे मशवरे पर हजरत उमर ने ये तरावीह शुरू की। तो लोगों ने पूछा कि हजरत ये कैसे, ये मैंने हवाला दिया, जिसे देखना हो देखो, तफसीर अद्दुर्रुल मंसूर में सूरतुल कद्र की तफसीर में ये रिवायत है। लोगों ने पूछा कि कई फायदा लेकर आपने मशवरा दिया और आपके मशवरे से तरावी शुरू हुई, इसका क्या क्या वाकया पेश आया। तो हजरत ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि रमजान की
29 या 30 रातों में से कोई भी एक रात शबे कदर होती है, वो मुतय्यन नहीं। और जब शबे कदर आती है तो रूह यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साहब मतलब फरिश्तों के एक बड़े मजमे के साथ जमीन पर उतरते हैं और पूरी जमीन में राउंड लेते हैं, और जो लोग इबादतों में मशगूल होते हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। मशहूर हदीस है और कुरान में इशारा है तनज्जुलुल मलाइकत वर रूह। तो कहा मैंने जब ये हदीस हजरत उमर को सुनाई तो हजरत उमर ने कहा कि फिर तो हमें एक ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली रमजान की हर रात में इबादत में लग जाएं, ऐसा हमें इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि वह शबे कदर मुतय्यन नहीं है, वो रमजान की 29 या 30 रातों में से कोई भी रात हो सकती, पता नहीं कौन सी रात हो, और हजरत जिब्रील फरिश्तों के साथ आए। ये नहीं है कि रात में एक घंटा या आधा घंटा आता, पूरी शबे कदर पूरी। लिहाजा हमें कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि मुसलमान रमजान की हर रात इबादत में लगे हुए हों, ताकि जौन सी रात हजरत जिब्राइल का जुलूस आए मुसलमान नमाज पढ़ते हुए मिले। हजरत उमर ने पहले ये हुक्म दिया हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला नु और हजरत उबै इब्न काब रदी अल्लाह ताला नु दोनों को हुक्म दिया कि मैं जब ईशा पढ़ाकर घर चला जाऊं तो फिर आप पीछे लोगों को नमाज शुरू करवाएं, नमाज पढ़वाएं और 8 रकात जमात से पढ़ाएं और सहरी के वक्त खत्म करें। चुनांचे जब हजरत उमर ईशा पढ़ाकर घर में चले जाते थे तो उसके बाद नमाज शुरू होती थी और 8 रकातें इमाम पढ़ाता था, और नमाज जब पूरी होती थी तो लोग फौरन जाकर सहरी करते थे पूरी रात, ताकि फरिश्तों का हजरत जिब्राइल का जुलूस जब भी आ जाए। लोगों में चेमेगोइयां हुई कि ये कौन सी नमाज शुरू हो गई, हुजूर के जमाने में तो ये नमाज थी नहीं, तहज्जुद तो पढ़ते थे सारे ही सहाबा, तहज्जुद पढ़ते थे, रमजान में भी पढ़ते थे, गैर रमजान में भी पढ़ते थे, मगर ये जमात के साथ तहज्जुद पढ़ा जा रहा है और पूरी रात पढ़ा जा रहा है, ये क्या नई बात शुरू हुई। तो फिर हजरत उमर ने तहकीक की कि वो जो एक रमजान में हुजूर ने 2 रातें या 3 रातें जमात से पढ़ाई थी वो कितनी रकातें पढ़ाई थी और क्या नमाज पढ़ाई थी, तो हजरत उमर के सामने ये बात आई कि वो रमजान की एक्स्ट्रा नमाज थी, 12 महीने वाली तहज्जुद नहीं थी, और वो रकातें हुजूर ने 20 रकातें जमात से पढ़ाई थी, और वो रिवायत आज भी है और ज़ईफ है एक कौल के मुताबिक, और एक कौल में वो सही है, चलो ज़ईफ वाला कौल ले लो, लेकिन अगर ज़ईफ के मुकाबिल में उससे कवी रिवायत न हो तो ज़ईफ रिवायत को तमाम फुकहा लेते हैं, उसके मुकाबिल कोई रिवायत नहीं, एक ही रिवायत है कि वो 3 रातें या 2 रातें जो हुजूर ने नमाज पढ़ाई थी वो 20 रकातें पढ़ाई थी और वो तहज्जुद नहीं पढ़ाई थी, वो रमजान की एक्स्ट्रा नमाज थी। आला दर्जे की हदीसें हैं जिसमें ये फरमाया हुजूर ने, मन काम रमजान ईमानम व एहतिसाबन, जो रमजान की रातों में सोने से पहले नफलें पढ़े। क़याम रमजान का ये मतलब है रमजान की रातों में सोने से पहले नफलें पढ़े। मन काम लैलतुल क़द्र ईमानम व इहतिसाबन, जो शबे कदर में सोने से पहले नफलें पढ़े। ये जो सोने से पहले नफलें पढ़ना ये रमजान की एक्स्ट्रा नमाज है, बाकी रातों में नहीं। बाकी रातों में ईशा पढ़ो सो जाओ और रात के पिछले हिस्से में उठो और सलातुल लैल पढ़ो। वो सलातुल लैल है रात की नमाज, सोकर उठने के बाद वो सलातुल लैल है, सलातुल तहज्जुद है, वो पढ़ो उठ करके। और ये क़याम रमज़ान है जो रमजान में सोने से पहले नफलें पढ़नी। जब ये बात सामने आई कि वो 2 दिन या 3 दिन हुजूर ने जो नमाज पढ़ाई थी वो 20 रकातें पढ़ाई थी, तहज्जुद नहीं पढ़ाया था, तहज्जुद तो उन रातों में भी हुजूर ने अपनी जगह पर तहज्जुद पढ़ा था और ये उससे अलग नमाज पढ़ाई थी, जब ये बात सामने आई तो फिर हजरत उमर ने दूसरा आदेश दिया,
और इमामों से ये कहा कि आठ नहीं 20 पढ़ाओ और मुख्तसर पढ़ाओ, सुबह सादिक तक सहरी तक नहीं, 20 पढ़ाओ मुख्तसर पढ़ाओ और लोगों को सोने का मौका दो।